दोस्तों, चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित नीति ग्रंथ है जिसमें जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। इस ग्रंथ का मुख्य विषय मानव समाज को जीवन के हर एक पहलू की व्यवहारिक शिक्षा देना है। चाणक्य एक महान ज्ञानी थे जिन्होंने अपनी नीतियों के बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बिठा दिया था। जानिए चाणक्य के कुछ ऐसी महत्वपूर्ण नीतियाँ जो आपके जीवन को किसी न किसी मोड़ पर काम आ सकती है। दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार कुछ भी हो जाए, महिलाओं को ये काम जरूर करने चाहिए। कौन से है वो काम, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, महिलाएं घर की सकारात्मक ऊर्जा का मूल स्रोत होती है। वे अपने स्वभाव और कुछ वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करके घर में सुख शांति और समृद्धि ला सकती है। तो आइए जानते हैं वास्तु के अनुसार महिलाओं को घर में क्या करना चाहिए। नंबर एक, घर की साफ सफाई का खास ध्यान। दोस्तों, घर की स्वच्छता घर में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। ऐसे में जरूरी है कि महिलाएं घर की साफ सफाई का विशेष ख्याल रखें जिससे घर चमकीला और कीटाणुओं से रहित रहे, क्योंकि ऐसे घर में माँ लक्ष्मी आती है और ऐसे घर में ही सुख समृद्धि रहती है। इसलिए आप घर की सफाई का विशेष ध्यान रखें। नंबर दो, मुख्य द्वार की सफाई। अपने घर से नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाने के लिए घर के मुख्य दरवाजे की रोजाना सफाई करनी चाहिए। हफ्ते में एक बार गंगाजल और कच्चे दूध से घर की दहलीज पर पोछा जरूर करें। ऐसा करने से घर में नकारात्मक शक्तियां नहीं आती। नंबर तीन, सफाई के बाद स्नान करना। दोस्तों, महिलाएं अक्सर घर की सफाई के पहले ही स्नान करना पसंद करती है, जो कि गलत बात है। दरअसल महिलाओं को सफाई करने के तुरंत बाद नहाना चाहिए जिससे कि तन और मन स्वच्छ हो जाए और आलस दूर हो जाए, साथ ही नया काम करने के लिए सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में आ जाए। नंबर चार, खाना बनाने से पहले नहाना। दोस्तों, वास्तु के अनुसार बहुत ही आवश्यक है कि आप खाना बनाने से पहले नहा लें। नहाने के बाद खाना बनाने से खाना ज़्यादा हेल्दी और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है। नंबर पाँच, तुलसी की पूजा। दोस्तों, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो आपको उसकी रोजाना सुबह और शाम पूजा करनी चाहिए। उसके सामने दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख और शांति आती है, साथ ही पैसों की कभी कमी नहीं होती। दोस्तों, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आपको इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। नंबर छः, खाने से पहले भोग लगाना। दोस्तों, महिलाओं को खाना खाने से पहले पहला भोजन भगवान के आगे जरूर भेंट करना चाहिए। इससे घर में समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है, साथ ही देवी देवता भी प्रसन्न रहते हैं और आपको हर कार्य में सफलता मिलती है, साथ ही घर में शांति का माहौल भी बना रहता है। नंबर सात, सूर्यास्त के बाद कंघी करना। दोस्तों, वास्तु के अनुसार सूर्यास्त के बाद यानी कि शाम के समय महिलाओं को बाल नहीं सवारने चाहिए। दोस्तों, शाम के समय कंघी करने से देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती है। रात को हमेशा ही अपने बालों को बांधकर सोए। खुले बाल परिवार वालों के लिए अशुभ माना जाता है और इससे आपको हर कार्य में असफलता मिलती है, इसीलिए आप हमेशा रात को बाल बांधकर सोए। नंबर आठ है, बार बार गुस्सा करना। दोस्तों, घर की शांति के लिए घर के सदस्य को शांत रहना चाहिए और हमेशा ही खुश रहना चाहिए। घर में शांत माहौल बनाए रखने के लिए घर की लक्ष्मी यानी कि महिलाओं को शांत और खुश रहना बहुत जरूरी है। बार बार गुस्सा करना और चिड़चिड़ापन घर में नकारात्मक ऊर्जा भर देता है, इसलिए खासकर महिलाओं को अपने बार बार आने वाले गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए ताकि घर में शांति बनी रहे। दोस्तों, आज के वीडियो में बस यहीं तक। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा।